Up, welcome back to my channel. I am Mansi and I really hope you all are doing great. So in today's video, I'm going to share with you guys this makeup look, which is a daytime party makeup look. Now daytime pe log zyada makeup wear karna pasand nahi karte hain, so maine is makeup ko kafi zyada light rakhne ki koshish ki hai. Bahut hi kam contour maine kiya hi nahi hai, blush and bahut kam highlighter laga ke ye makeup look maine ready kiya hai for you guys, kyunki kafi log seriously makeup day ho ya night तो लगाना पसंद नहीं करते हैं, बट या दिस इज द मेकअप लुक फॉर यू गाइस टुडे एंड आई रियली होप यू लाइक द मेकअप लुक. अभी से इफ यू डिड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड या दैट्स व्हाट आई वांट टू से. सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो आई स्टार्टेड अप विथ मॉइस्चराइजर एज ऑलवेज. तो मैंने यूज़ किया है पॉन्स का लाइट मॉइस्चराइजर. इससे अपने पूरे फेस को मसाज कर लूँगी एंड हाइड्रेशन प्रोवाइड कर दूँगी एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर एंड दैट इज़ फ्रॉम कलरफील. एंड इसको मैं अपने टी जोन एरिया पर फोकस करते हुए अपने पूरे फेस में स्प्रेड करूँगी. अभी समर्स आ गए हैं तो आपको बहुत अच्छे से अपने स्किन केयर करना है. ऐसा स्किन केयर नहीं कि आपकी स्किन बहुत ग्रीसी हो जाए, बट ऐसा स्किन केयर कि आपकी स्किन में पैचेस ना आए. नेक्स्ट मैंने लिया है एल ए गर्ल प्रो कंसीलर इन द शेड ऑरेंज करेक्टर. इससे मैं अपने अंडर आइज डार्क सर्कल्स को पहले कवर अप करूँगी एंड देन इसको मैं अपने फिंगर से पहले स्प्रेड आउट कर लूँगी एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी. ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना ज़रूरी है ताकि कोई भी पैचिनेस ना रहे या कलर एक जगह इकट्ठा ना हो जाए. फिंगर से कभी भी कोई भी चीज़ इतनी परफेक्टली ब्लेंड नहीं होती है. वेयर इज ब्रश से भी एक ब्रश फिर भी थोड़ा बहुत ठीक रहता है, बट फिंगर्स इतने प्रॉपरली ब्लेंड नहीं होती है. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज अ ब्यूटी ब्लेंडर एंड देन आई एम यूजिंग वेट एंड वाइट फोटो फोकस फाउंडेशन इन द शेड डेजर्ट बीच. नाउ अब समर्स आ गए हैं तो ये फाउंडेशन मैं बहुत आराम से यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि बहुत ड्राइंग फाउंडेशन है ना, तो ये आप यूजुअली विंटर्स में अप्लाई नहीं कर सकते, बट समर्स के लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन है. एंड देन मैं इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकती हूँ. मैंने इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर मिक्स किया है क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं होता है एंड मुझे अब ब्रश की फिनिश अच्छी नहीं लगती है फाउंडेशन, मतलब अच्छी लगती है बट इतनी ज़्यादा नहीं. जो ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का हल्का एयर ब्रश इफेक्ट आता है ना, वो ब्रश से नहीं आता. इसलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ. ये मेरा फेवरेट ब्यूटी ब्लेंडर है फ्रॉम मिनीसो, उसी को यूज़ करती हूँ मैं हमेशा. एंड मैं अपने पूरे फेस को ब्लेंड कर ले रही हूँ, पूरे फाउंडेशन को प्रॉपरली एज यू कैन सी इन द वीडियो. नोज़ के अराउंड भी कीजिए क्योंकि नोज़ के अराउंड गैप्स होते हैं, वहाँ आपका ब्यूटी ब्लेंडर प्रॉपरली नहीं जाता है, तो उसको मतलब स्पेसिफिकली फोकस करके वहाँ ब्लेंड कीजिए. एंड देन मैंने लिया है सफारा कंसीलर पैलेट. इसमें से ये दो शेड जो मैंने आपको दिखाया वो शेड को मिक्स करके मैं अपने अंडर आईज कंसीलर को कवर कर लूँगी. ये कंसीलर पैलेट मुझे अच्छा लगा. टू बी ऑनेस्ट, मैं पहले कभी भी ये कंसीलर को यूज़ नहीं किया. मैं ऑलवेज कॉन्टूर को यूज़ करती थी क्योंकि मुझे लगा कि यार कंसीलर अच्छा नहीं होगा, बट व्हेन आई यूज़ दिस आई वाज लाइक शॉक बिकॉज ये मुझे लगा था थोड़ी प्लास्टिकी होंगे, बट दे आर नॉट एट ऑल प्लास्टिकी, दे आर लाइक वेरी गुड क्वालिटी कंसीलर. देन ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया एंड दे ब्लेंडेड सीमलेसली, लाइक मुझे एफर्ट्स नहीं लगे इसको ब्लेंड करने के लिए. कवरेज के लिए बोलूँगी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, बट या ठीक ठाक है. जिसको कम डार्क सर्कल्स होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छी है. सो मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड किया है. यू कैन यूज़ अ ब्रश इफ़ यू वांट, इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या पसंद करते हो, ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि मैंने काफ़ी लोग को देखा है ब्रश से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं. सो या दैट्स दैट. नेक्स्ट मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का प्राइम एंड सेट लूज पाउडर एंड इससे मैं अपने अंडर आइज को जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पे सेट करूँगी, अपने नोज अराउंड माय माउथ एंड जॉ लाइन के पास. सो मुझे ये एक चीज़ मैंने इस बार नोटिस करी, जब मैं रिमूव करूँगी आप देखना पाउडर रिमूव नहीं हो रहा था बिकॉज इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फाइन है, बहुत ही ज़्यादा फाइन है. तो मुझे ये कैमरा में समझ आ रहा था बट रियल लाइफ में बिल्कुल भी वाइट टेलीकास्ट नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ भी है, मतलब थोड़ा सा भी वाइट पार्ट है, बट वीडियो में दिख रहा है ज़्यादा. एंड मेरे पूरे वीडियो में इसके बाद थोड़ा फेस लाइट दिखेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द पाउडर. तो मुझे ये पाउडर पसंद था पहले बट
इस बार जब मैंने मेकअप किया मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा है पाउडर, सो मैं सजेस्ट भी करूँगी नहीं भी करूँगी, मेकअप आर्टिस्ट को मैं सजेस्ट नहीं करूँगी ये, क्योंकि आप किसी और पे लगाओगे तो आपको तब परफेक्टली समझ नहीं आएगा। सो या नेक्स्ट मैंने अपनी आईब्रोज फिल कर लिया है फ्रॉम द हिलारी रोडा पैलेट, आई शैडो पैलेट में जो ब्राउन शेड था मैं उसी से अपनी ब्राउज फिल कर ले रही हूँ, एंड वो कलर काफ़ी अच्छा है ब्राउज के लिए, क्योंकि वो हल्का सा उसमें ब्राउन टिंच है, हल्का सा ब्लैक टिंच भी और हल्का सा ग्रे टिंच भी, लाइक मिक्स है एक कलर का, तो मेरे ब्राउज के लिए तो बहुत प्यारा शेड लगा और बहुत जल्दी मेरे ब्राउज फिल हो गए थे बिकॉज ऑफ दैट पाउडर। तो मैंने अपनी ब्राउज को फिल करा एंड देन स्पूली आउट कर लिया। नेक्स्ट मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ उसी पैलेट से, अपने क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ बैक एंड फोर्थ मोशन में, एज यू कैन सी आपको अच्छे से ब्लेंड करना है अपने क्रीज में अप्लाई करते हुए प्रोडक्ट को, ताकि कुछ भी पैथीनेस ना रहे, एंड अपनी आईज को भी सेट करना है आपको, जब आप पाउडर लगाओगे कोई सा भी पाउडर लगाओ अपनी आईज को ज़रूर सेट करो। तो मैं यहाँ पे सर्कुलर मोशंस में ब्लेंड कर रही हूँ एज यू कैन सी, ना उसके बाद ये मैंने मैरून शेड लिया है एंड इसको अपने आउटर कॉर्नर्स में अप्लाई करी हूँ मैंने। आप इस आई मेकअप को सिंपल ही बना सकते हो बाय जस्ट अप्लाइंग द ग्लिटर शेड ऑन योर आईलिड्स, बट मुझे थोड़ा सा इसमें ग्लैम लुक लाना था तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, क्योंकि डे टाइम का मेकअप लुक है, आप कोई भी पार्टी में इसको वेयर कर सकते हो, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको ग्लैम रखें। अगर आप लैशेस लगाओगे तो ये और अच्छा दिखेगा, मैंने लैशेस नहीं लगाया वीडियो में। देन मैंने ये कॉपर शेड लिया है, मुझे कॉपर शेड बहुत पसंद है टू बी ऑनेस्ट फॉर माई फेस, क्योंकि काफ़ी अच्छा लुक आता है कॉपर कलर का, एंड मैंने बहुत मेकअप लुक किया है अपनी लाइक नॉर्मल लाइफ में, एंड मैंने कॉपर कलर ज़रूर अप्लाई किया अपने आईज में। सो या दिस इज़ लाइक माई फेवरेट कलर फॉर आई मेकअप, एंड काफ़ी प्यारा लगता है ये हर आउटफिट के लिए भी। सो या मैंने अपने फिंगर से ही अप्लाई कर लिया है, बट इफ़ यू आर कम्फर्टेबल यू कैन ऑल्सो यूज़ अ ब्रश, एंड देन मैंने सारे शेड्स को प्रॉपरली ब्लेंड कर लिया है विद अ फ्लफी ब्रश एज यू कैन सी। आप कभी भी बैक एंड फोर्थ मोशन में ब्लेंड नहीं कर सकते, हमेशा सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करो। बैक एंड फोर्थ मोशन आप कलर अप्लाई करने के लिए ज़रूर कर सकते हो, बट ब्लेंड करने के लिए नहीं। नेक्स्ट मैंने वही ब्राउन शेड लेकर अपने लैश लाइन पे लोअर लैश लाइन में अप्लाई कर लिया दोनों आईज के। आप चाहो तो रेड कलर भी अप्लाई कर सकते हो, सॉरी दैट मरून कलर, मैं बार बार रेड बोल रही हूँ। या तो मैंने ब्राउन कलर अप्लाई कर लिया है एक पेंसिल ब्रश से, एंड ईजी होता है, ऐसा लगता है कि आँख में पोक हो जाएगा, बट नहीं, ईजी होता है उससे अप्लाई करना, आप कोई सॉफ्ट ब्रश से ही अप्लाई करो। नेक्स्ट मैंने हिमालय का लिप बाम ले लिया है एंड सेपरेट लिप्स को हाइड्रेट कर लूँगी, एंड देन मैंने लिया ये मिस गोल्ड की ब्लश किट, एंड उसमें से ये जो ऑरेंज पता नहीं कैसा शेड है, ये बहुत यूनिक सा शेड है, लाइक इसको कोरल पीच भी नहीं बोल सकते, बहुत अलग टाइप का शेड है, एंड मुझे तो मेरे कॉम्प्लेक्शन में बहुत प्यारा लगा ये शेड टू बी ऑनेस्ट। एंड एज आई टोल्ड यू डे टाइम लुक है, तो मैं इसमें कोई कॉन्टूर ऑनटूर भी नहीं करूँगी, क्योंकि डे टाइम में आई डोंट थिंक कि आप इतना मतलब फोटोज एकदम लाइट चालू करके करोगे, क्योंकि फोटोज आप फ्लैश से खींचते हो ना, तो आपका फेस थोड़ा अलग दिखता है और नेचुरल लाइट में थोड़ा अलग। नेक्स्ट मैंने लिया है LA18 का आई लाइनर, एंड इसको मैं अपने आईज में लगा लूँगी ऑब्वियसली, और कहीं तो लगाऊंगी नहीं, एंड इसको मैं इसे एक विंग बनाने वाली हूँ मैं। तो या नेक्स्ट मैंने लिया मार्स का मस्कारा, एंड दिस हैज़ बिकेम माय फेवरेट मस्कारा बिकॉज इतना ज़्यादा अच्छा मस्कारा है यार ये। मैंने अपनी लैशेस में अप्लाई करती हूँ, रोज़ में अप्लाई करती हूँ, एंड इसको रिमूव मतलब ये से रिमूव होता ही नहीं है, धोने के बाद भी रिमूव नहीं होता है। वाटरप्रूफ तो नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है, मैंने पहले भी अपने हॉल में बताया था कि वाटरप्रूफ नहीं वाटर रेजिस्टेंट है, बट ये इजीली नहीं निकलता है ये मस्कारा, बहुत अच्छा मस्कारा है, एंड आई वुड हाईली सजेस्ट टू एवरीवन। एंड सिर्फ मेरा रिव्यू नहीं, आप दूसरों का भी रिव्यू अगर चेक करोगी यूट्यूब में अबाउट द मार्स मस्कारा, आपको बहुत बहुत अच्छा रिव्यू मिलेगा इसका, एंड आप अपने पर ट्राई भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सस्ता है, लाइक 180 का मुझे मिला था ये मस्कारा, काफ़ी चीप है इन प्राइस, बट द क्वालिटी इज़ A1 एंड आई लव दिस मस्कारा। नेक्स्ट मैंने ये जो शिमर शेड है उसी को मैंने हाईलाइटर की तरह यूज़ किया है। यस यू कैन यूज़ एनी आई शेडो
एज अ हाइलाइटर. मैंने अपने क्यूपिड्स बो में भी अप्लाई किया, अपने ब्राउ बोन्स में एंड इनर कॉर्नर्स में भी. ये ना बहुत ही माइल्ड वाला जो हाइलाइटर होता है ना, वैसा हाइलाइटर है. चंकी ग्लिटर्स नहीं थे इसमें, इसलिए मैंने अपने चीक बोन्स पे लगाया था. नेक्स्ट मैंने लिया लैक्मे की लिपस्टिक. यू कैन सी द शेड RM18 एंड इससे मैं अपने लिप्स में अप्लाई कर लूँगी. बहुत ब्राइट रेड शेड है. मैंने अपने जो आई लुक है उसके अकॉर्डिंग में ये शेड लगाया. यू कैन इवन गो फॉर अ न्यू लिपस्टिक. सो या, दिस इज़ द लिपस्टिक एंड दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक. आप सेटिंग स्प्रे ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा. मैं वीडियो के लिए सेटिंग स्प्रे यूज़ करना इतना ज़्यादा नहीं समझती हूँ इम्पॉर्टेंट, बट आप जब कोई भी पार्टी में जाओ ना तो सेटिंग स्प्रे ज़रूर यूज़ किया करो. अगर आपने मेरा गेट रेडी विद मी देखा है तो मैंने उसमें सेटिंग स्प्रे यूज़ किया था. एंड या बहुत बोल दिया मैंने. दिस इज़ द वीडियो एंड आई होप यू एंजॉयड इट. Thank you so much for watching this video. I really hope you enjoyed the video and found this video really helpful. If you did, please hit the like button. Please share this video to your friends and family. And this ke liye bhi helpful ho. And unko bhi bolo channel ko subscribe kar de. And if you haven't, so please consider to subscribe to my channel. And yeah, ye makeup look maine apne haul video mein bhi wear kiya tha. To agar aapne wo haul nahi dekha hai, so kya kar rahe ho? मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी. सो प्लीज़ इस वीडियो के बाद उस हॉल को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. एंड या दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.